आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि संदीप रेड्डी द्वारा निर्देशित रणवीर कपूर की एनिमल मूवी जो है इन दिनों सिनेमाघर में जो है वो धूम मचा रही है, और आज छठे दिन में भी जो हाउसफुल जो है वो हर सिनेमाघर में जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या कुछ रिव्यू लोगों के एनिमल मूवी को लेकर है, क्योंकि जिस दिन से ये मूवी शुरू हुई है तब से ही जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ जो है इसको लेकर है, क्योंकि बॉबी देओल की भी जो बैक एंट्री फिर से जो है वो हुई है, और ऐसे में जो क्रेज़ है वो कितना ज़्यादा है। और 100 करोड़ की मूवी का ये बजट था और अब तक 400 करोड़ से भी ज़्यादा जो है मूवी कमा चुकी है, और आज छठे दिन क्या कुछ लोगों का कहना है ये जानते हैं। आपका नाम? मंदीप। मंदीप, आज मूवी जिस तरह से एनिमल लगी है और अभी जो है एग्जिट से बाहर आ रहे हैं और अभी आप मूवी जा रहे हैं। हाँ, अभी हम जा रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लास्ट के 3-4 डेज से मुझे प्लान ही नहीं हो रहा था, मैंने अपने कितने काम छोड़ के आज एनिमल्स देखने आ रही हूँ। तो क्या माइंड में कैसे विजुअल रखें कि ये शॉट देखना है, मतलब कि इस तरह से रणवीर कपूर का शॉट होगा या बॉबी देओल का होगा, क्या कुछ? इन दोनों की जो डिफरेंट लुक है ना, बस उसके लिए क्रेजी है, वो देखने की एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। जी, रिव्यूज़ तो पॉजिटिव थे, बट मैं खुद से देखूंगी तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। जब खुद देखेंगे तो उसका रिव्यू जो है बाद में दे पाएंगे। फिलहाल जो लोग एनिमल मूवी देखकर जो है वो बाहर आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। आपका नाम? राघव। राघव, मूवी देखकर आया? हाँ। कैसी लगी? मैम, एक्टिंग वाइज अगर रणबीर की एक्टिंग देखें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बाकी वॉयलेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ये मूवी को से लोग इन्फ्लुएंस बिल्कुल ना हो, ये वन टाइम मूवी की तरह ट्रीट करें, इससे कोई रियल इन्फ्लुएंस ना हो, वही सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये कहेंगे पैसा वसूल मूवी है ये? हाँ, मतलब अच्छी है, गुड टू गो है, मतलब वन टाइम मूवी अच्छी है, बट मतलब जो बेसिक थीम पे ये बनी है कि फादर और उसके बच्चे का जो रिलेशन है, मतलब उसको ये पूरी तरह से ही दिखा नहीं पाई। मतलब हाँ, उसी थीम पे ये मूवी बेसिकली है, बट थीम को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। ओनली तो फैमिली के लिए क्या कहेंगे, कैसी मूवी है? मतलब नॉट अ फैमिली मूवी, आई डोंट थिंक इट इज अ फैमिली। तो फ्रेंड्स के साथ ही देख पा रहे हैं? हाँ हाँ जी, ओके। तो कुछ और भी यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इनका मूवी को लेकर है। आपका नाम? किरण। किरण, एनिमल मूवी का कितना ज़्यादा क्रेज़ जो है लोगों में है और आज छठे दिन भी जो है सिनेमा घर में जो धूम मची हुई है, तो किस तरह से मूवी का रिव्यू देंगे आप? अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि उसमें एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब तो इसमें बॉबी देओल जो इतनी देर के बाद आए हुए, उनको उनका किस तरह से आप कहेंगे कि उनका एक्शन बहुत अच्छा था, लास्ट बहुत अच्छा लगा। तो पैसा वसूल मूवी है ये? हाँ हाँ, वो तो है। तो आप कौन कौन गए थे देखने के लिए? ये मेरी बेटी थी और मेरा ब्रदर। जी, तो मूवी को लेकर क्या कहेंगे आप? ऑल ओवर अच्छी है, अच्छी है जी। आपका नाम? मैं विकास हूँ। विकास, क्या कहना चाहोगे एनिमल मूवी को लेकर? मूवी काफ़ी अच्छी है, बट क्रेज़ भी था लोगों में काफ़ी इसके, और फिर उसके बाद आगे जैसे कि बॉबी देओल ने एक्टिंग आगे स्टार्ट करी है अपने करियर में, तो उससे कैसे कम बैक किया वो काफ़ी अच्छा है। जी, तो इंतजार किसका था? इंतजार बीच में एक्चुअली मेन रीज़न यही था, इंतजार था मेरे को इसकी एक्टिंग वगैरह एंड ऑल दैट थिंग्स, बट जो कुछ बीच में मूवमेंट्स हैं वो हम लोग देख नहीं सकते, लाइक इग्नोर कर सकते हैं उसको। तो क्या कहना चाहोगे कि फैमिली के लिए मूवी सही नहीं है? फैमिली के लिए मूवी सही नहीं है एक्जैक्टली, बट हमें पता नहीं था, सो अंडरस्टैंड कर सकते अभी यहाँ की। तो बाकी को क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आज छठा दिन है मूवी का लगातार? सजेस्ट तो यही करूंगा कि देखिए मूवी देखिए, फैमिली टाइम है अपना, जिसको आप कंफर्टेबल लगता है वो लोग आके देख सकते हैं। जी, हाँ जी। आपका नाम? मौजम। मौजम, मूवी को लेकर काफी ज्यादा लोगों में क्रेज है, आज 6 दिन हो चुके हैं लेकिन क्रेज जो है वो बरकरार है, आप क्या इस मूवी के बारे में कहना चाहेंगे? वही, मैं भी क्योंकि जो अभी कुछ दिनों से ऑनलाइन रिस्पांस आ रहा है कि मूवी ऐसी है वैसी है, तो बाकी लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि टिकट्स तो अभी भी बुक हो रही हैं, फुल शोज मिल रहे हैं, तो ये समझ नहीं आता, ऐसे लोग तो आ रहे हैं देखने बट रिव्यूज़ उतने ज़्यादा अच्छे। आपके पर्सनल रिव्यूज़ क्या कुछ कहना है? मेरी जो थी कि एक तो एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा था, बाकी थोड़ा सा है स्टोरी वाइज की उतनी अच्छी नहीं है, बट फादर और सन की रिलेशनशिप क्या कुछ दिखाया गया हुआ? फादर और सन की रिलेशनशिप दिखाई हुई है, थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्सेसिव आप बोल सकते हैं, जैसे बाकी भी मूवीज़ में फादर और सन का रिलेशनशिप दिखाया जाता है, बट इस हिसाब से नहीं है। अब मेन फोकस, मेन जो है टेक अवे, वो ऑब्वियसली रणबीर कपूर की एक्टिंग ही है। तो बॉबी देओल जिस तरह से इस मूवी में है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बॉबी देओल का ये है, लास्ट में आके जो उन्होंने अपना पार्ट किया है, शॉर्ट है ऑब्वियसली, बट बहुत ज़्यादा बेटर है बाकी। तो फैमिली को सजेस्ट करेंगे मूवी देखना? नहीं, विद फैमिली तो सजेस्ट नहीं करूँगा थिएटर में, बाकी
जिसको भी देखनी होगी मैं रिकमेंड करूंगा कि पर्सनली अपने पास ही देखें। जी तो क्या कहेंगे, ये पैसा वसूल मूवी है? पैसा वसूल है बिल्कुल। ठीक है, तो फैमिली को सजेस्ट ये बिल्कुल नहीं करें मूवी देखने के लिए, अगर जाएंगे तो अलग अलग देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसमें फैमिली के साथ जो नहीं आप देख पाएंगे। इनका ये कहना है कि अपनी कम्फर्टेबल, जिस तरह से आप कम्फर्ट फील करते हैं उसी तरह से देखें। और ऐसे में इस मूवी की बात की जाए, आज छेवां दिन है और छेवें दिन भी जो है सिनेमा घरों में जो है वो धूम मची हुई है और लगातार लोग जो है आ रहे हैं अपने अपने रिव्यूज़ जो है शेयर करें। और छेवें दिन हमने कोशिश की आप लोगों तक रिव्यू पहुंचाने की, आखिरकार लोग किस तरह से इस मूवी को देख रहे हैं और क्या कुछ सजेशन जो है, क्या कुछ राय जो है इस पर रखते हैं हमने आपको दिखाई। और जो ये लोग मूवी जो है देखकर आ चुके हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स।